अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। आपके दिमाग से कंट्रोल होगी होंडा की नई मोटरसाइकिल। नए कृषि कानून से चावल के निर्यात में 20-30 लाख टन बढ़ोतरी की गुंजाइश। रेलवे के 1.5 लाख पदों के लिए 2.5 करोड़ देंगी परीक्षा। लाहौर के शाही किले में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ी। ट्विटर यूजर्स अब डायरेक्ट स्नैपचैट पर कर सकेंगे ट्वीट शेयर। इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी। upsc.government.in पर देखेंगे नतीजा। सहनाज गिल ने आधी रात को सिद्धार्थ शुक्ला को किया बर्थडे विश। काबुल के कुछ हिस्सों में रॉकेट से हमला। अड़तालीस सीटों के लिए मतदान शुरू। 200 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। रूस के बयान पर भारत ने कहा, हमारी विदेशी नीति स्वतंत्र है। एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में हुआ बदलाव। BHEL ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकाली वैकेंसी। नोकिया लेकर आ रहा है लैपटॉप, भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए सेल के लिए होगा उपलब्ध। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। पुनीत पाठक की प्री वेडिंग रस्मों में झूम कर नाची भारती सिंह और हर्ष लिवांचिया। चौदह दिसंबर को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। आगरा जिले के पुलिसकर्मियों का भंग हुआ वर्दी से मोह। कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद भी मास्क लगाना होगा जरूरी। नहीं लगवाई RFID तो भरना होगा जुर्माना। सर्वाइकल कैंसर की जानकारी से दूर है आधी आबादी। 15 से 28 वर्ष की शहरी युविता भी अनजान है। कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने केंद्र के निर्देश पर राज्य कर रहे हैं तैयारियां। सर्दी की रातों में हो रहा है गर्मी का एहसास। पारे ने तोड़ा 4 वर्ष का रिकॉर्ड। लॉन्च हुआ BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट, देश भर के किसानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार। नोकिया लेकर आ रहा है सस्ता एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन। 15 दिसंबर को होगा लॉन्च।